हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है भाई मेन रोड से, नैनीताल हाईवे रोड में हैं हम। और इस समय हम लोग अभी शोरूम के बाहर ही यहाँ से, तो आज की व्लॉगिंग क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह काम था तो सीधे मैंने यहाँ पे आया, पहले अपना काम वाम की डिजाइनिंग करी, उसके बाद मैंने कहा पहले सबसे पहले फिर अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लो। तो सुबह के 10 बजे से आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं भाई, तो चलते हैं। आज की जर्नी हमारी यहीं से है, कभी इधर उधर, और पीछे जस्ट बैक साइड में विंटेज ग्रीन बैंकेट हाउस जहाँ यहाँ का काम है जो कल, तो थोड़ी बहुत तैयारी हमने यहाँ की भी करनी होगी आज। बहुत ट्रैफिक चल रहा है, साइड में रुकी है मैंने गाड़ी, और अभी ऐसी गाड़ी बिल्कुल टेपर में डाल के बैठे हैं। एक सामने लगा रहा विंटेज ग्रीन बैंकेट हॉल, तो हमने अपनी गाड़ी यहीं पार्क करी हुई है बस, क्योंकि हमारा एक राउंड इधर ही है प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डिजाइनिंग करनी थी अंदर का कुछ था, सो वहाँ पहुँच गया हूँ मैं अभी। और हमारी टीम की गाड़ी भी आ रही है, तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गई भाई। सो गाइस, आज अभी हम विंटेज ग्रीन बैंकेट हॉल में, क्योंकि यहाँ है कल का प्रोग्राम, तो कल की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी टेंट डेकोरेशन वगैरह कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो टीम लगी हुई है घर में, क्योंकि कल है मारुति सुजुकी वालों का ही यहीं पर प्रोग्राम है कुछ, सो अभी पता नहीं है, कुछ मीटिंग वगैरह तो बाकी इनकी हो चुकी है घर पर, और मतलब आप इनके ऑफिस में, तो बाकी जो पार्टी है वो रिसेप्शन दी जाएगी यहाँ। सो कल आधा ही पार्ट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, बाकी ये तो भाई याला फील्ड लेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा ज़्यादा क्राउड है नहीं, तो 300-400 लोगों का है, तो वो इधर ही एरिया में आ जाएगा। और भाई घास देखो कितनी प्यारी हो रही है भाई, मतलब आज की डेट आजकल बारिश वारिश पड़ती है तो कटिंग हटिंग टाइम पर होती जाती है, तो बहुत अच्छी पूरी ग्रीन हो रही है, सारे पेड़ वगैरह सारे, क्योंकि बरसात में सारे पेड़ वेड़ बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और भाई कल जो एरिया काम रहेगा वो इस साइड से उस उधर ही रहेगा, मतलब ये साइड वॉल दे दिए इतने को, ये यहाँ से यहाँ कवर्ड कर देंगे बस, बाकी और बाकी खाना वाना आ जाएगा हॉल में, थोड़ा स्नैक्स दे देंगे बाहर, बाकी डीजे वगैरह देखेंगे अगर बाहर लगेगा, बाहर अगर मौसम अच्छा रहा तो बाहर, नहीं तो अंदर। पकड़ इसे, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पकड़ पकड़ ये इसकी छोटी बहन, ये नहीं डरती है, डर दे पकड़ो भाई। अभी हम निकल चुके हैं घर की ओर, क्योंकि भाई शाम के बज गए हैं 5 और जिम भी जाना है, तो अभी तो खड़ा उजाला है, तो भाई घास देखो स्कूटी में आ रही है, बहुत मेहनती करती हैं कोई कोई लड़कियां आजकल, तो नहीं तो भाई कोई कोई लड़कियां बहुत अच्छी हैं आज की जगह, देखो घर से घास लाई हो खेत से। और अभी हम जा रहे हैं घर ही के लिए, देवेंद्र भाई आगे आगे भाग रहा है, थोड़ी गाड़ी मुझे ही भगानी पड़ेगी लग रहा है। तेरी दीवानी दीवानी, और बिना हेलमेट के चलते साहब खुजली हो जाती ना सर में, इनके मजे हैं। तो गाइस आज तो मतलब ऐसा हमने कुछ काम नहीं किया, खाली बैंकेट हॉल में बैठे रहे, तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया। सो अब शाम के बज गए 5, तो अभी मैं आया हूँ घर, और कभी नहा धो लेता हूँ पहले, क्योंकि गर्मी बहुत थी यार, फुल सेट पहन के गया था क्योंकि धूप बहुत थी, मैं हाथ हाथ में टैनिंग आ जाती, हाफ ट्राइजेशन उस दिन पहनता, जिस दिन मौसम थोड़ा हल्का रहता है, मतलब धूप धूप नहीं होती है बारिश धारिश के समय। सो आज शर्ट एंड पहन के, लेकिन बहुत उमस हो रही थी, गर्मी बहुत हो गई है, तो पहले नहा धो लेता हूँ, नहा धोने के बाद जिम की करते हैं तैयारी। सो मैंने नहा धो लिया भाई, बाल कैसे खड़े हो रहे, तो चलते हैं जिम जाने की तैयारी करते हैं भाई। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा शेप आने लगा है बॉडी पे भी, क्योंकि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आज मेरा है लैग डे, तो कोशिश करूँगा कि लैग डे की वहाँ पे मैं जो एक्सरसाइज करूँ, जो वर्कआउट करूँ, करूँ उसका व्लॉग शूट करूँ, तो कोशिश रही, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है, तो वहाँ पर मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाता हूँ, अभी थोड़ा एजुकेशन है, थोड़े शर्म है कि हम मैं वहाँ पर नहीं कर पाता हूँ भाई। मज़ा आ रहा, पंखा चल रहा ऊपर, और नीचे नहा धो के भाई पानी में ठंडी ठंडी, क्योंकि अभी तक इतनी गर्मी हो रही थी ना, जब भी मैं नहा धो लेता हूँ पंखे के नीचे आराम से बैठा, बड़े जाड़े हो या गर्मी मज़ा आता है थोड़ा, वाह हवा बैठती है। सो भाई शोल्डर का भी लुक अब हल्का हल्का सा थोड़ा बहुत शेप आने लगा है बॉडी में, तो चलते हैं पहले कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद जिम जाने की तैयारी। सो गाइस फुल रेडी हो चुका हूँ, नहा धो के नहा लेके बिल्कुल कपड़े वपड़े चेंज कर लिया, शॉर्ट्स और अपर डाल दिए मैंने ट्रैक ऊपर से, पूरा बंद करके बिल्कुल स्वच्छ, क्योंकि मुझे होता है पसीना कम, तो पूरा अपर बंद करके, और भाई थोड़ा फैट परसेंटेज भी बढ़ गया था, क्योंकि शादियों को खा खा के ना भाई हालत पूरी डाउन हो चुकी थी, इसलिए मैंने भाई उसको पूरा जब तक सीजन ऑन होगा तो तब तक अच्छे से काम करना, अच्छे से एक्सरसाइज कर लेनी है, फिर जैसा होगा फिर ऑप्शन है, फिर इसको रिड्यूस कर लेंगे। तो भाई अपना बैग पैक कर लेते हैं, बैग के अंदर मेरी ऐसी कॉफ़ीज़ वगैरह रहती हैं,
मल्टीविटामिन्स वगैरह इसी में डाल लिखी है। और ये रही मेरी वाटर बोतल जो इसमें डाल देते हैं, परफ्यूम जो मैं भी इसी में रखे रहता हूँ हर वक्त, और ये मेरा टावल पसीना हो जाता है तो पूछने के काम आता है, मेरी रोप ये भी डाल देते हैं इसी में, और ये रही मेरी बेल्ट स्वेट बेल्ट, तो हो चुका है मेरा कंप्लीट भाई। तो चलते हैं अब सामान वामान पैक करके, मेरा कार्डियो हो गया भाई, मेरी हालत डाउन हो गई आज तो अब थाइस का मसाज चालू करेंगे। तो भाई आज मैंने मारना है 30-90 किलो के स्क्वाट लगेगी बहुत दिनों बाद, 90 किलो वेट है, बाकी भाई 20 किलो की तो रॉड हो गई, तो कोई नहीं भाई आराम से। आज दूसरा ही दिन है, दूसरा भाई दूसरे हफ्ते में आज दूसरा स्क्वाट्स लगाई जाएगी आराम आराम से राहुल भाई, कहीं गिर ना जाइए। चलो धीरे धीरे भाई, 1 क्विंटल 35 किलो मैंने एक बार लास्ट मारी थी, तो अभी स्टार्टिंग अब धीरे धीरे करके अपना हर वीक रेट वो बढ़ाएंगे सेट। तो हल्का हल्का था थोड़ा बहुत बैलेंसिंग के लिए, भाई मैंने अपने भाई को बुला लिया, मैंने कहा कि थोड़ा सपोर्ट दे देना, नहीं तो मुँह के बल ना गिरूँ यार, आराम से मार ले रहा हूँ, ऐसा कोई वेट है नहीं ज़्यादा। सांस नहीं फूल गई आज तो, सेल्फ ही पड़े सेट, हल्का ही बोला भाई को भाई, बहुत हैवी वर्क सेट था, फट गई हमारी भाई का भी सेट हो गया, बहुत हैवी हो गया, बहुत दिन बाद धुआं निकल चुका भाई। इसके बाद लेग एक्सटेंशन मारते हैं, लेग प्रेस मारते पहले, चलो वेट फुल करके, हाँ वेट तो निकाल के छोड़ो छोड़ो। ओ भाई कितना वेट है, 230 खाली, 25 किलो, बीबी 40-50 रेडी बोलिए भाई। भाई हो गया, फट गई, आज धुआं निकल गया भाई, तो चलते लास्ट सेट था, उसके बाद अभी मैं लेग एक्सटेंशन बचे तो दूसरे सेट मारा अभी, तो इंद्र की बहुत पसीना हो गया, मैं लेट हो गई जाने में। सो गाइस पहुंच गए घर, एक्सरसाइज वक्सरसाइज पूरी कंप्लीट, और भाई आज था लेग का वर्कआउट, सो आज इतना दर्द नहीं हो रहा जो पहली बार हो गई, तो आज मेरा सेकेंड डे था लेग का, मतलब दूसरा हफ्ता लेग का, और मिस्टर देवेंद्र भाई की तो कार्डियो चल रही है, खाना भी मिलने आ चुका है, देवेंद्र भाई भी बिल्कुल अपने आप को स्लिम कर देंगे। सो अभी 2-3 महीने का वक्त टाइम है इनके पास, कह रहे कि 2-3 महीने में तो मैं कर दूंगा बिल्कुल स्वैट, वैसे तो 6 महीने अगर कंटिन्यू अच्छी एक्सरसाइज करेगा तो 6-3 महीने तक तो कर ही देना है, इनने आराम से रिलैक्स हो गया भाई। और खाने के लिए मैंने पानी अभी आधा ही भरा है, तो इसको फुल भर लाता हूँ पानी, और उसके बाद पहले हाथ धो लेता हूँ, खाना खाता हूँ, उसके बाद रात में 1-2 बजे ही नहाऊँगा यार। तो भाई आ गया खाना, अब निकाल देते हैं क्या क्या है इसमें खाना है। अबे सिल्वर फॉइल नहीं थी, यही तो है थी सिल्वर फॉइल, कागज क्या यही थी, नहीं यार तो मैं तभी कहूँ यार सिल्वर फॉइल नहीं, कागज का भेज दिया डरे ने, ये है उसमें, अरे भैंस की बताओ, ऐसी है यार देख लो सोयाबीन, ओहो न्यूट्रेला सब्जी वो कितनी महंगी गई है, 160 रुपये किलो टमाटर चल रहा है भाई, इसमें क्या है आलू, क्या सिल्वर फॉइल लेने गया उसने, ये रैपर दे दिया भाई, रानी भाई ये दुकान वाले भी, आलू रोटी और ये रही सब्जी, मिस्टर तो यहाँ आराम से पिक्चर देखने में बिजी है। सो गाइस खाना वाना हो गया है कंप्लीट, और चलते हैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ज्योतिराज सिंधिया, और मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, मेरे चैनल में जो नए हैं तो मेरे चैनल को नए सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट, और अगर
और अगर कुछ नहीं, मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।